हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स लाइफ। अगर आपको अपने लिए बेस्ट गवर्नमेंट जॉब चाहिए और आपको जॉब रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं चलता तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे जिन्हें जॉब की अर्जेंट नीड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जॉब है और डिफेंस सिविलियंस और जो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का वो 21 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। तो मेरे हिसाब से जो लास्ट डेट है वो है 15 नवंबर 2021। अब पोस्ट देख लेते। पहला पोस्ट है मसलची, इसका लोकेशन है न्यू मिसामरी, इसका नंबर ऑफ वैकेंसी है 1 और सैलरी मिलेगा अप टू ₹56,900 और मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स, मैक्सिमम है 25 ईयर्स और क्वालिफिकेशन चाहिए आपको क्लास 10th पास आउट करना है और आपको नॉलेज होना चाहिए अबाउट दी ड्यूटीज ऑफ मसलची। नेक्स्ट है बार्बर, इसका भी लोकेशन है न्यू मसमरी और इसका वैकेंसी है 1 और सैलरी इसको भी अप टू ₹56,900 मिल जाएगा और मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स और क्वालिफिकेशन आपको 10th पास आउट करना है और आपको नॉलेज होना चाहिए ऑफ बार्बर जॉब। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसका फील्ड है मैसेंजर, इसका लोकेशन है दीमापुर और इसका वैकेंसी है 1 और सैलरी अप टू ₹56,900 और मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स, मैक्सिमम 25 और क्वालिफिकेशन चाहिए आपको क्लास 10 पास आउट करना है और आपको नॉलेज होना चाहिए ऑफ ड्यूटीज ऑफ मैसेंजर। नेक्स्ट है बार्बर, इसका लोकेशन है टेंगा, इसका वैकेंसी है 1 और सैलरी अप टू ₹56,900, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 25 और क्वालिफिकेशन आपको 10th पास आउट करना है और आपको नॉलेज होना चाहिए ऑफ बार्बर जॉब। नेक्स्ट है मेस वेटर, इसका भी लोकेशन है टेंगा और वैकेंसी है 1 और सैलरी 56,900 तक मिल जाएगा और मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स और क्वालिफिकेशन है आपको क्लास 10th पास आउट करना है और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट ट्रेड। और जो एज रिलैक्सेशन है फॉर ST/SC इट इज 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका न्यू मिसामरी असम में हो सकता है, दीमापुर असम और दाहुंग या तेंगा अरुणाचल प्रदेश में होगा और या तो आपका कहीं भी हो सकता है पोस्टिंग इन इंडिया। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। पहले कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, फिर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है उन लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और ट्रेड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद जो रिटर्न टेस्ट और ट्रेड टेस्ट पास आउट करेगा उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ज्वाइनिंग से पहले और मेडिकल सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा और फाइनली उन लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर द जॉब। और रिटर्न टेस्ट में आपका कौन सा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कितना मार्क्स का आएगा, ड्यूरेशन क्या है एग्जाम का, ये सब आप देख लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन PDF का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका नोटिफिकेशन PDF के साथ दिया हुआ है या ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अटैच करना है। जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को सेंड करना है वो है क्लास 10th पास सर्टिफिकेट, 10th पास मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, एज प्रूफ, ये सब, और उसके साथ 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप, अ फिक्स्ड ₹25 पोस्टल स्टैम्प और फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज राशन कार्ड, ये सब आप लोग को सेंड करना है। जो पोस्टल एड्रेस है वो है ग्रुप कमांडर हेडक्वार्टर 22 मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप, पिन कोड है 900328, CO9, कमांडिंग ऑफिसर 90T APO ऑन और बिफोर 15 नवंबर 2021। में आपका एनवेलप का हेडिंग में लिखना आपको एप्लीकेशन, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और कैटेगरी, और जो लोकेशन आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का वो है गुवाहाटी असम एट नारंगी कैंट, और आप लोग को वहाँ पर 2 या 3 दिन के लिए रुकना पड़ेगा जब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक। और कैंडिडेट्स को वैलिड ईमेल आईडी देना है क्योंकि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी में सेंड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से फिलअप करना, अगर एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स मिसमैच हुआ तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और आप लोग को एट द टाइम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन COVID-19 रूल्स फॉलो करना है, आप लोग को मास्क लगा के आना और सैनिटाइज़र होना चाहिए और आपके पास COVID-19 फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम। और कैंडिडेट्स को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे मोबाइल फ़ोन, वॉइस रिकॉर्डर, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, ये सब अलाउड नहीं है एट द टाइम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन या रिटर्न टेस्ट। ये था जॉब अपडेट ऑफ डिफेंस सिविलियंस। इस जॉब के लिए क्लास 10th पास आउट अप्लाई कर सकता है, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड और सैलरी भी आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है, तो अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर लीजिए।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जो एलिजिबल है इस जॉब के लिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स ऑन जॉब रिक्रूटमेंट।